नमस्कार साथियों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही खास रहने वाली है तथा दोस्तों बेहद ही रोमांचित होने वाली है और आपके साथ भी दोस्तों ऐसा हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आपको बता दें, एक बुजुर्ग के पास पहले दोस्तों व्हाट्सएप पर कॉल आता है और फिर दोस्तों आपको बता दें वीडियो कॉल में जो लड़की है वो दोस्तों नंगी हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों जो बुजुर्ग है उसको भी दोस्तों नंगा होने के लिए कहता है और दोस्तों उससे अश्लील हरकतें करने लगती है। इसके बाद में दोस्तों जो बुजुर्ग है वो भी उसके बातों में आ जाता है और दोस्तों वो भी अश्लील हरकतें करने लगता है। जो वीडियो कॉल हो रही थी वो सारी वीडियो कॉल दोस्तों रिकॉर्ड कर ली जाती है और दोस्तों कई स्क्रीनशॉट भी खींच लिए जाते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी देख लीजिए। दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है। यहाँ एक युवती ने, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, एक बुजुर्ग शख्स को फोन किया। बुजुर्ग शख्स की उम्र 71 साल है और वह कई बड़ी कंपनियों में ऊंचे पदों पर रह चुके हैं। दोस्तों इन दिनों दिल्ली के विवेक विहार में जो बुजुर्ग हैं वो रहते हैं। बता दें, एक दिन युवती को पता नहीं कहां से इस बुजुर्ग शख्स का फोन नंबर मिल गया। उसने व्हाट्सएप मैसेज किया, इसमें हाय लिखा था। बुजुर्ग ने भी हेलो लिखकर जवाब दिया। इसके बाद दूसरी तरफ से मैसेज आया, मैं रिया आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। बुजुर्ग ने उस महिला की डीपी फोटो देखी, वह करीब 25 साल की रही होगी। बुजुर्ग ने मैसेज में जवाब दिया, आपकी उम्र तो करीब 25 साल है, मुझसे दोस्ती क्यों करना चाहती हो। दोस्तों आपको बता दें, इसके बाद में जो लड़की है उसने बुजुर्ग को उकसाते हुए उसके कपड़े भी निकलवा दिए। यहाँ पर आपको बता दें कि हमारी, और इसके बाद में दोस्तों पूरी जो चीज़ें रिकॉर्डिंग हो गई थी, स्क्रीनशॉट भी खींच लिए गए। उसके बाद में दोस्तों आपको बता दें कि लड़की बोलती है कि हमारी और तुम्हारी बात रिकॉर्ड हो चुकी है, पैसे दो दो, मैं शॉपिंग करना चाहती हूँ। दोस्तों यह सुनकर तो बुजुर्ग भी हक्का बक्का रह गया, आखिरकार मेरे साथ ये हुआ क्या। दोस्तों लड़की के द्वारा धमकी भी दी गई है कि मैंने आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई है जिसमें आप नग्न हो गए हो, और स्क्रीनशॉट भी दोस्तों फोन पर भेज दिया। उसके बाद में दोस्तों जो बुजुर्ग है उसने लड़की के नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, लेकिन दोस्तों दोबारा फोन आता है और बोलते हैं कि आपका जो है दोस्तों CBI के पास केस चला जाएगा, मैं दोस्तों अफसर बोल रहा हूँ, फलाने ये बोल रहा हूँ, लड़की मर गई है और आपका दोस्तों सुसाइड में नाम लिख गया है। ये सुनकर दोस्तों जो बुजुर्ग है वो घबरा जाता है। के द्वारा 1,39,000 रुपये कहीं समाज में नाम नहीं डूब जाए इसलिए उसके खाते में डाल दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी डिमांड नहीं रुकती है और 5 लाख की डिमांड आती है। फिर दोस्तों बुजुर्ग समझ जाता है कि मेरे साथ कोई बड़ा फ्रॉड हुआ है और इसको तो पुलिस ही रोक सकती है। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अनजाने लोगों से बिल्कुल भी बात नहीं करें। अगर आपके पास वीडियो कॉल आती है तो आप बिल्कुल भी न उठाएं और फ्रंट का कैमरा तो आप बिल्कुल भी न खोलें। दोस्तों आपको बता दें कि फिलहाल जो मामला है पुलिस के अधीन चले गया है। अब दोस्तों जल्द ही जो अपराधी है उनको पुलिस पकड़ेगी और दोस्तों उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दोस्तों हर अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।